भाई पहुंच चुका है पेंचर वाले के पास, लेकिन पहुंचते पहुंचते आपका भाई पेंचर हो चुका है। हम यहाँ पेंचर लगवाने, तो पेंचर तो थी नहीं बाइक, पेंचर तो थी नहीं बाइक। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाही व बरकातुहू। वेलकम बैक हो गया आप सबका नए ब्लॉग के अंदर। तो भाई लोग, आज जरा आपको पता है लेट उठे हैं, रात हो चुकी है, असल में कर रहा लेट सोया था तो अभी उठा हूँ। बिल्कुल पूछा मैंने कुछ। तो अभी जरा हमने जरा बाहर जाना है, आपको पता है कल से हमारी एक्सरसाइज की रूटीन स्टार्ट होने वाली है। अच्छा, और रूटीन से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने दराज से जो ऑर्डर किया हुआ था मैट, वो भी आ चुका है। कल हमने एक्सरसाइज प्रॉपर स्टार्ट करनी है और हमारा चैलेंज भी स्टार्ट हो रहा है। और ये जो चैलेंज चलेगा, ये 30 डेज चैलेंज होगा। अगर इसमें हम कोई भी चीज स्किप करते हैं तो शुरू से ये डे वन से स्टार्ट हो जाएगा। और इस चैलेंज में क्या होगा, इस चैलेंज में डेली एक्सरसाइज है, डेली हमने कोई एक स्किल सीखना है। स्किल से मुराद हमने सबसे पहले वीडियो एडिटिंग का कोर्स स्टार्ट करना है ऑनलाइन, 2 लीटर पानी पीना है, हमने एक बुक पकड़नी है और उसके पेजेस स्टार्ट करने हैं और डेली हमने 2 से 3 पेज पढ़ने हैं। उसके मेन मकसद ये है कि वेट को कम करना है मैंने, तो हम देखेंगे अभी करंटली वेट मेरा क्या चल रहा है। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि 30 दिन के बाद वेट कहां पर आ गया, बॉडी शेप कैसी थी, अब कैसी है। पता है कल एक्सरसाइज करनी है तो कुछ सॉक्स वगैरह का मसला आ रहा था, मिल नहीं रही सॉक्स, तो मैंने कहा चलो कोई नई सॉक्स ले लेते हैं 2-4। तो बस अभी वहां चलते हैं, बाइक पे चलेंगे। जी मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ बाहर, मैं बाहर जा रहा हूँ। आप ऊपर चलो मेरा बेटा, चलो ऊपर। ये आपको पता है ये हमारे जो वकास भाई है उनका बेटा है और काफी ही जरा हमारा लाडला है, घर में होता है। तो अभी जब भी गेट खुलता है तो सबसे पहले जिसने आना होता है वो यही बच्चा होता है, क्योंकि इसको इल्हाम हो जाता है कोई जा रहा है बाहर, तो इसलिए आ चुका है। चलो बेटे यहाँ ना, आप ऊपर चलो, चलो मेरा बच्चा, चलो 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 चलो, हाँ चलो चलो गली गली। ओए होए शिट यार, ये तो पेंचर हो चुका हुआ है टायर। पेंचर लगवाना नहीं, मसला ये है कि बहुत दूर है शॉप, तो बस निकलते हैं अब। इसको पेंचर तो लगवाना ही है, जाहिर बात है इसके बगैर तो हम नहीं जा सकते, नहीं तो सारे प्लान कैंसिल हो जाएंगे। प्लान लेकिन हमने कोई कैंसिल करना नहीं, क्योंकि प्लान बना के कैंसिल करने वाला रिवाज जट्टों में नहीं होता। चुप कर कुत्ते। जट बरादरी एक बहुत ही मशहूर बरादरी है, तो बस ये जो अपने वादे करती है उसके ऊपर पूरी रहती है। बात तो सही है। तो बस चलते हैं, पहले पेंचर सेंटर लगवाते हैं इसका। Few inches later. तो भाई आपका भाई पहुंच चुका है पेंचर वाले के पास, लेकिन पहुंचते पहुंचते आपका भाई पेंचर हो चुका है। हम यहाँ पेंचर लगवाने, तो पेंचर तो थी नहीं बाइक, पेंचर तो थी नहीं बाइक। अब यहाँ से हमने जाना है, सॉक्स वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद हम जाएंगे क्लिनिक, वहाँ पर जरा आपको पता है वेट चेक करना है हमने, हमारा वेट कितना हो चुका है, क्योंकि एक्सरसाइज करनी है तो बगैर एम के समझ नहीं है कि हम देखेंगे कि कितना हमने वेट लूज करना है। A few moments later. भाई ने वेट कर लिया और आपके भाई का जो वेट आ रहा है वो 86 आ रहा है, और जो हमने कम करना है, कितना कम करना है, हमने तकरीबन 75 और 80 के दरमियान में ही अपना वेट रखना है। चलते हैं घर, वहाँ पर आपको आपके भाई की, जो मेरा बड़ा भाई है, उसकी कॉल आई थी और उन्होंने कहा कि उन्होंने जाना है आउट ऑफ सिटी। तो जाहिर बात है आउट ऑफ सिटी जाने तो खिदमत तो करनी पड़ेगी, छोटे भाई हैं, तो उनको हम छोड़ने जाएंगे वहाँ पर बस स्टेशन, तो फिर उसके बाद घर आएंगे। और आज हमें जल्दी सोना है ताकि कल जल्दी उठ सके और अपने रूटीन को कंटिन्यू कर। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो भाई लोग अभी पहुंचे हैं हम घर और अब बस भाई को छोड़ने जाना है बस स्टेशन पे, तो भाई से आपको मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई। हम क्या हाल है, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र, आप सुनाए कैसे हैं? तबीयत ठीक है आपकी? तो बस अब निकलते हैं भाई को छोड़ने, तो वहाँ पर भाई को छोड़ते हैं बस स्टेशन पर। हो गए वकास भाई, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जैसे ठीक है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है वकास भाई, अल्लाह हाफिज। क्या भजन, इसी के साथ हम ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं अपना रखूंगा। अल्लाह हाफिज।